नशे की हालत में एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने मंगलवार को हैदराबाद के बीवी नगर में अपनी 6 महीने की गर्भवती पत्नी और एक 6 वर्षीय बेटी को जिंदा जला डाला। अभियुक्त शंकर नाइक ने नशे की हालत में अपनी पत्नी और बेटी को आग लगा दी। 2008 में सरिता से शादी कर चुके शंकर श्रीदेवी और श्रीनेहा के पिता हैं। अपनी पहली बेटी के जन्म के बाद वो शराब का आदि हो गया और बेटा पैदा करने की ख्वाहिश की वजह से वो अपनी पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया। तभी दूसरी बार भी बेटी ने जन्म लिया और उसके साथ ही उत्पीड़न में भी वृद्धि हो गई। नशे की हालत में शंकर सरिता को लगातार पीटता था। उत्पीड़न से निपटने में असमर्थ सरिता ने भी कई मौकों पर अपने ससुराल वालों से शिकायत की, लेकिन शंकर ने अपने पिता को भी पीटा और उन्हें गंभीरता से कहा कि वो उसके मामले में हस्तक्षेप ना करे। मंगलवार को शंकर घर में नशे की हालात में आया और अपनी पत्नी के साथ लड़ाई की, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी और बेटी पर किरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। वहीं चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद ससुराल वाले को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है।